हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने क्षमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस चैनल। आइए देखते हैं आज की चंद्रशेखर जी, आज गोरखपुर आपका आना हुआ है। गोरखपुर से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पर्चा भरने वाले हैं, किस तरह का जोश आपको दिखाई दे रहा है, कितनी उम्मीद है गोरखपुर की जनता से? पूरी उम्मीद है, क्योंकि पिछले 5 साल में जो गोरखपुर की जनता ने सहा है, अब उसको जवाब देने का समय आ गया है। एक गलतफहमी तो मुख्यमंत्री ये दूर करें ना, वो इस गोरखपुर के मालिक हैं और ना गोरखपुर की जनता उनके गुलाम है। जो तानाशाही उन्होंने यहाँ किए, जनता चुनाव में उनका जवाब दे। और अब मैं यहाँ हूँ, यहाँ जो पीड़ित हैं तमाम लोग, मैं जैसे एक बच्ची थी प्रियंका, जिसके पिताजी लड़ते रहे कि उसको न्याय मिल जाए लेकिन नहीं मिला, और FIR लगी। मैं आज उनसे उनके परिवार से मिलने जाऊंगा, कल यूनिट की मीटिंग करूंगा, 11 बजे मीडिया के साथियों को संबोधित करूंगा कि जो भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, मैंने पूरा इतना चिट्ठा निकाला है और मैं बताऊंगा कि उस गोरखपुर में मुख्यमंत्री ने क्या दिया है। अभी जिन सड़कों से हम आए ना, उनकी हालात ऐसी है लगता है किसी गांव की सड़क, तो मुख्यमंत्री ने सब तानाशाही की, जनता उनका जवाब दे। अच्छा, कांग्रेस सपा बसपा ने अभी क्या? देखिए, मैं दूसरी पार्टी के बारे में उनकी नीतियों के बारे में नहीं कह सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सोच रहे थे उनको वॉकओवर मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। हम पिछले 5 साल भी लड़े हैं और ये चुनाव भी लड़ेंगे और इसके बाद भी लड़ेंगे। हमारा काम है जो शहादत दी गई है देश को गुलामी से निकालने के लिए, वो शहादतों का सम्मान यही है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे। चंद्रशेखर जी, गोरखपुर के लोग मुख्यमंत्री नहीं चाहते। गोरखपुर के लोग कहते हैं कि वो हमारे राम है, भगवान राम की तरह पूछते हैं। क्या लगता है बाहरी होने का आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है? वो भी उत्तराखंड के। मैं बस आपको ये बता दूं, बहुत सारी चीजें है ना, मैं कल स्पष्ट करूंगा, लेकिन क्या गोरखपुर की जनता ने उन्हें लोकसभा चुनाव में नहीं हराया था? यहाँ आप बता दीजिए, नहीं हराया था क्या? और गोरखपुर का इतिहास रहा, अच्छे ताना साहब को की खबर लिए, 1971 TN सिंह इसके उदाहरण है। और बाकी जनता में काम है, हमने काम किया उत्तर प्रदेश में और हम अपनी बात को लेकर जाएंगे। और मैं देखता हूँ कि आप लड़ाई गरीबों की और काम करने वालों की, और एक तरफ से जो है ताना साहब के बीच है जाम जनता, और एक तरफ क्रूर शासक। क्या कारण अखिलेश जी के साथ संबंध नहीं बन पाए, आपके बातचीत नहीं हो पाए? इनसे अखिलेश यादव जी से आपका गठबंधन? बातें पुरानी होगी। आप आजाद समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही है और भीम आर्मी ने आजाद समाज पार्टी ने काम किया है। जहाँ कहीं जरूरत हुई, मैं तो पहले भी गोरखपुर आया था जब सामंती व्यवस्था के लोगों ने अनीश कनौजिया की हत्या की थी, तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री तब भी यहाँ थे। और अभी 2 बच्चों की हत्या हुई है यहाँ, 15 दिन से उनका शव नहीं मिला, उनकी कोई जानकारी नहीं, FIR तक नहीं लिखी गई। ये है गोरखपुर, कि गोरखपुर में हत्या होती है, कत्ल होते हैं और मुख्यमंत्री के इशारे पे सरकार गुंडों को सरकारी सहमति मिलती है। अब ये चलेगा, कितने वोटों से जीत जाए, जीत दर्ज करें जनता तय करेगी। हमें ये पता, हम मेहनत करेंगे और हम मेहनत हर व्यक्ति के पास जाएंगे और हम ये पूछेंगे कि आप 5 साल में जो दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उससे खुश हैं? और मैं समझता हूँ कल जब वो काला चिट्ठा मैं रखूंगा, कितना भ्रष्टाचार यहाँ हुआ है, पूरी मीडिया को पता लगेगा कि क्या बंदूक की नोक पर किस तरह यहाँ राज चल रहा था। धन्यवाद। तो इसका जवाब, राम राज्य में बच्चों की हत्या हो रही है, ये शायद आप नहीं कर रहे हैं। और कल भी एक हत्या हुई एक महिला की, मुझे भेजा यहाँ के कुछ पत्रकार साथियों ने कि गोली मार के हत्या कर ली, यही तो राम राज्य, इसी की बात कर रहे थे। तो मैं, जनता जवाब देगी। जनता इसलिए चुप है क्योंकि जो बाबा जी के खिलाफ बोलता है वो या तो जो उसकी जान चली जाती है, उसको झूठे मुकदमे लगते हो, जेल चला था। चंद्रशेखर मुख्यमंत्री नहीं डरता, और ये याद रखे कि हम देश के संविधान की ताकत में हैं, ना कि ये राजतंत्र और तानाशाही चलेगी। तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री खबरदार, जनता का शोषण बंद होगा।